रूपेण व्यवस्थितिः। अपनी आत्मा के समस्त भिन्न नामों और रूपों को त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित होना ही मुक्ति है। ये मैं कहां आ गया? लगता है यहां कोई नाटक हो रहा है। धाती रे की इन कंगलों के पास चुराने के लिए सिवाय पुराने कपड़ों के होता ही क्या है? इससे पूछता हूं, शायद ये मेरी कोई मदद करे। नमस्कार मित्र। नमस्कार। मैं एक चोर हूं, सत्यवादी चोर। सत्यवादी चोर? हाँ, पकड़ा गया तो सच बोल देता हूं। क्या आप मुझे कोई ऐसा घर बता सकते हैं जहां मैं चोरी कर सकूं? फिर तो तुम्हें श्रेष्ठी कोटिकर्ण के यहां सेंध लगानी चाहिए। श्रेष्ठी कोटिकर्ण? कोई मोटा आसामी है? मोटा? अरे उसके कानों के कुंडलों की कीमत ही 1 करोड़ रुपए है, इसीलिए उसे कोटिकर्ण कहते हैं। धन्यवाद मित्र, अब अगली मुलाकात फिर कभी ना होगी। क्या यह चोर कोटिकर्ण का धन चुरा पाएगा या ये खुद कोटिकर्ण के हाथों लुट जाएगा? ये क्या सुन रहा हूं मैं? ये क्या सौदा कर रहे हैं श्रेष्ठी कोटिकर्ण? श्रेष्ठी, मैं ये घाट नहीं बेच सकता। मेरे बाप दादाओं ने इसे धर्म के नाम बनवाया था। किसी की भी नाव इस धर्म घाट पर लग सकती है। मल्ला, मुझे ये घाट चाहिए, मूल्य बताओ। सरकार, मैं इसे नहीं बेच सकता। जहां तक तुम्हारा घाट, उसे मैं चांदी के सिक्कों से पाट दूंगा। सरकार, ये घाट नहीं बिक सकता। मल्ला, जहां तक तुम्हारा घाट, उसे मैं सोने के सिक्कों से पाट दूंगा। मुंशी जी, घाट को अपने अधिकार में ले लो। है कोई याचक यहां तो मांग ले। है कोई याचक? प्रणाम श्रेष्ठी। खुद को मेरे सामने बैठने के लायक समझते हो तो बैठ सकते हो श्रेष्ठी। आपने तो सुना ही होगा, बहुमूल्य वस्तुओं से भरी मेरी नौकाएं लुटेरों ने लूट ली। हाँ तो? मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है। गिरवी क्या रख सकते हो? मेरे पास गिरवी रखने के लिए क्या बचा है श्रेष्ठी? ये अंगूठी? ये तो मेरे कुल का सम्मान है, मेरे घराने की मुद्रा है श्रेष्ठी। कुल के सम्मान को गिरवी रख सकते हो? मुंशी जी, श्रेष्ठी धनंजय की अंगूठी उनसे लीजिए और वे जो चाहें उन्हें दीजिए। आज मैं उनसे कोई सौदा नहीं करूंगा। श्रेष्ठी धनंजय, याद है मैंने तुमसे कहा था एक दिन मैं तुम्हें खरीद लूंगा। कोई याचक बच गया तो मांग ले। है कोई याचक यहां? याचक यहां है। बोलो याचक, क्या दूं तुम्हें? एक याचक को क्या दे सकते हो श्रेष्ठी? मांग कर तो देखो याचक। मेरा पेट तो पेड़ों की जड़ों से भी भर जाता है श्रेष्ठी, पर दे ही सकते हो तो मुझे अपना अहंकार दे दो। अहंकार कोई वस्तु नहीं है याचक, जो तुम्हें दे दूं। कुछ और मांगो, सोना चांदी धन वस्त्र अन्न कुछ भी। सोना चांदी साम्राज्य देना आसान है श्रेष्ठी, अहंकार देना मुश्किल। पहचान, खुद को पहचान,
जो तू दिखता है वो तू है नहीं, जो तू है उसे देखना नहीं चाहता। पहचान, खुद को पहचान। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। दे सकते हो तो मुझे अपना अहंकार दे दो। अहंकार? चांदी सोना साम्राज्य देना आसान है, तो क्या छोड़ना सबसे मुश्किल काम है? उस याचक के लिए मेरे साम्राज्य का कोई मूल्य नहीं। क्यों उस मांगने वाले के सामने मैं आज अपने आप को छोटा महसूस कर रहा हूं? जो मैं दिखाई देता हूं वो मैं हूं नहीं, तो फिर मैं कौन कौन हूं मैं? इस प्रश्न का उत्तर मैं ढूंढ कर आऊंगा। क्या हो रहा है यहां? सरकार, ये यहां पे चोरी करने आया था। छोड़ो उसे और जाओ यहां से। प्रणाम। मैं आपको जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। क्या नाम है तुम्हारा? सत्यवादी। पकड़ा गया तो सच बोल देता हूं। मेरा एक काम करोगे? बदले में जो चाहो मुझसे ले लो। पोटली यहां कैसे पड़ी है? इसमें तो चावल है। हाँ, कार्तियानी, ये अंगूठी, ये तो हमारी अंगूठी है। हाँ, ये तो वही अंगूठी है जो आपने उस दुष्ट को दी थी। कार्तियानी, संभाल कर रखो इसे। कल सुबह होते ही मैं इसे श्रेष्ठ कोटिकर्ण को दे आऊंगा। क्यों, उसे लौटाने की क्या जरूरत है? क्योंकि ये उन्होंने ही लौटाई है। अरे वाह, इतना दयालु होता तो सीधे आकर देता। आज तक तो कभी उसने मदद ना की, ना कोई दया दिखाई। जो मन को समझाना चाहो तो बहाने हजार मिल जाते हैं, पर भाग्य। श्रेष्ठी धनंजय अंगूठी लौटाने से पहले ही उस रात चल बसे, और अथाह संपत्ति के स्वामी कोटिकर्ण ने अपनी सारी संपत्ति दान कर सब कुछ छोड़ने की राह पकड़ ली। आपको मैंने पहले भी कहीं देखा है। देखा होगा, वर्षों पहले मैं इसी नगर में रहता था। श्रेष्ठ कोटिकर्ण, अब ये शरीर उस नाम से अलग है। अब मैं उस शरीर को नहीं पहचानता। उस शरीर का एक विशाल भवन था। इस शरीर का सारा संसार है। पहले वो शरीर सबको अलग अलग देखता था, अब ये शरीर स्वयं को सब में देखता है। वो दुनिया जीतना चाहता था, अब मैं खुद को जीतना चाहता हूं।
तब मैं भिक्षा देता था, अब मैं भिक्षा लेता हूं। वर्षों बाद आ रहे हैं शायद। और भिक्षु कोटि कर्ण के नगर में आने की सूचना जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग सैकड़ों की संख्या में भिक्षु कोटि कर्ण को देखने उमड़ने लगे। कभी एक स्थान पर खड़ा हो भिक्षा देने वाला, आज घर घर जा भिक्षा मांग रहा है। ओम भिक्षाम देहि। श्रेष्ठी कोटिकर्ण, मैं अभी आपके लिए भिक्षा लेकर आती हूँ स्वामी जी। परम पुरुषार्थ है, वो तुम्हारा अधिकार है। दुखों से मुक्ति तुम्हारा अधिकार है, बंधनों से मुक्ति तुम्हारा अधिकार है, मोह से मुक्ति तुम्हारा अधिकार है। धर्म, अर्थ और काम के बाद मोक्ष तुम्हारा अधिकार है। इसी जीवन का परम पुरुषार्थ मोक्ष है। इसीलिए मैं कहता हूं, जो तुम दिखाई पड़ते हो वो तुम हो नहीं। अपने असली स्वरूप को पहचानना ही मोक्ष है। तो फिर तुम क्या हो? तुम अमृत हो। जो जान लेता है कि वो ये शरीर नहीं है, वो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। तुम अनादि हो, अविनाशी हो, इसलिए तुम ऐसी रचना करना चाहते हो जो कभी नष्ट ना हो। तुम असीमित हो, अनंत हो, इसलिए तुम आकाश को छूना चाहते हो, पर्वतों को लांघना चाहते हो। तुम दोष रहित रचना करना चाहते हो क्योंकि तुम निर्दोष हो। जब तक तुम यह शरीर हो, सीमित हो। जैसे ही तुम अपने वास्तविक स्वरूप को जानने लगते हो, तुम निराकार, निर्विकार, अनादि, अनंत और अमृत हो जाते। इसलिए अपने चित्त और इंद्रियों के स्वामी बनो, उनके गुलाम नहीं। इंद्रियों की गुलामी से मुक्ति, यही मोक्ष है। सुख मत मांगो, सुख के स्वामी बनो, यही मोक्ष है। विडंबना है, जो स्वयं सत्य चित्त आनंद है वो बाहर सुख ढूंढ रहा है। स्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवे। यहां किसी संत का सत्संग चल रहा है,
मौका अच्छा इन्हीं में शामिल हो जाता हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। सत्यवादी, राजा के सिपाही जा चुके हैं। आप मुझे जानते हैं? जो तुम दिखाई देते हो वो तुम हो नहीं। सारा पुरुषार्थ तो अपने को पहचानने का है। श्रेष्ठ कोटिकर्ण, देखा तुम हार गए। याद है मुझे लूटने का वादा? अब तुम मुझे ना लूट पाओगे। क्षमा प्रभु, बचने का कोई और रास्ता न था इसलिए। तो आज तुम मुझ पर एक और उपकार करो। पर आज उस मार्ग से जाना जो सही हो। इतनी रात गए कौन है भाई? चोर हूं माई। तो फिर मेरा द्वार क्यों खटखटा रहे हो? ये लौटाने आया था। अब सारे बंधन काट चुकी हूं। अतीत से, अतीत की अनुभूतियों से, सुख दुख से और भविष्य के भय से अभी मेरे किसी काम की नहीं। तुम्हारे काम की हो तो तुम ही ले जाओ, चूर तो हो ही। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वामृतमेत देव गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, वो क्या है जिसे पाने के लिए कोटिकर्ण ने अपना सब कुछ लुटा दिया? और सब कुछ लुटाकर उन्होंने क्या पाया? क्यों इस बुढ़िया को अब इस अंगूठी का मोह नहीं? किस बंधन को काटने की बात कह रही थी वो? वो क्या है जो सुख संपत्ति यश वैभव सत्ता से महान है? वो क्या है जिसे पाने के लिए कोटिकर्ण ने अपना रास्ता बदल दिया? मैं कोटिकर्ण से वो पाकर रहूंगा, मैं लूट कर रहूंगा, मैं विजयी बनूंगा। श्रेष्ठ कोटिकर्ण जी, भिक्षु कोटिकर्ण जी। मैं हारा नहीं प्रभु,
मैं वो पाकर रहूंगा जो आपके पास में है। मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा जब तक उसे पा नहीं लेता। कोटिकर्ण की अपने अहंकार, अपने इंद्रियों की दासता से मुक्ति, कार्तियानी की अपने मोह और सुख की चाह से मुक्ति, सत्यवादी चोर को अज्ञान से मुक्ति, क्या यही मोक्ष है? भारतीय जीवन की व्यवस्था है चार आश्रम। क्या है यह आश्रम व्यवस्था? अगले प्रकरण में देखिए। चार आश्रमों में पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम। कथा ब्रह्मचर्य आश्रम के गौरव सत्य काम की। यस्य प्रसादात् भवमंगलार्थाः प्रसूत गंगोपनिषत् विशुद्धाः समर्पयामो गुरुचिन्मयाय भूयात् प्रसन्नस्य शिवस्वरूपः भूयात् प्रसन्नस्य शिवस्वरूपः शिवस्वरूप।